और अब बात ऑपरेशन संकट मोचन की। साउथ सूडान में फंसे तकरीबन 600 भारतीयों को बंदूक की गोलियां और तोप के गोलों के बीच से निकालकर भारत लाने का मिशन शुरू हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के साथ अब से कुछ घंटे पहले साउथ सूडान के लिए उड़ान भर चुके हैं। 1990 और 2015 के ऑपरेशन से छोटा है ये ऑपरेशन संकट मोचन, लेकिन चुनौतियां वही हैं। 1990 में ऑपरेशन एयरलिफ्ट, कुवैत से 1,70,000 भारतीयों की मौत के मुंह से घर वापसी। 2015 में ऑपरेशन राहत, यमन में हर पल मौत को सामने देख रहे 4,000 भारतीयों को नई जिंदगी। ऑपरेशन संकट मोचन, साउथ सूडान से 600 भारतीयों को वापस घर लाना है सही सलामत, और इसी के लिए एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुके हैं भारत के 2 पवन पुत्र, 2 C-17 ग्लोब मास्टर। ये उड़ान है साउथ सूडान की राजधानी जूबा से अपनों को लाने के लिए, उन 600 भारतीयों को जो साउथ सूडान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की वफादार सेनाओं की गोलीबारियों के बीच फंसे हुए हैं। ऑपरेशन संकट मोचन की कमान भी जनरल वीके सिंह के हाथ में है। जनरल खुद ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुए हैं। जूबा से एक एक भारतीय को ग्लोब मास्टर में बिठाकर भारत रवाना करेंगे, जैसे पिछले साल यमन से 4,500 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को रवाना किया था। एक तरह से गृह युद्ध है और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए और हमेशा अपने देश का जो भरोसा है इस सरकार पर उसको पूरा करें। वहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लोग बाग फैले हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर हमको वहीं पर जाकर पता चलेगा। साउथ सूडान के गृह युद्ध में अब तक 272 जाने जा चुकी हैं। सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं। राष्ट्रपति सलवा कीर और उपराष्ट्रपति रीक माचर के वफादार सैनिक एक दूसरे को मारने पर आमादा हैं। हेलीकॉप्टर दहशत पैदा कर रहे हैं। 40 के करीब आम लोग भी मारे गए हैं। हालात वही हैं जो 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में और 2015 में यमन में थे। मैम, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूँ, मेरी दुआएं उनके साथ। साउथ सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह करेंगे। ऑपरेशन में वीके सिंह के साथ सेक्रेटरी अमर सिन्हा, जॉइंट सेक्रेटरी सतबीर सिंह और डायरेक्टर अंजनी कुमार होंगे। इसके फौरन बाद विदेश मंत्री ने टास्क फोर्स की मीटिंग की और मिशन संकट मोचन लॉन्च कर दिया। तय हुआ कि यमन की तरह सूडान के ग्राउंड जीरो पर भी जनरल वीके सिंह खुद जाएंगे। पल पल की नज़र रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आज सुबह ही उस टास्क फोर्स की बैठक हुई है। हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए हमने अगर स्थिति बिगड़ती है तो अपने लोगों को निकालने का पूरा प्रबंध कर लिया है। भारतीय दूतावास के पास अभी तक की जानकारी के मुताबिक जुवा में 450 और साउथ सूडान के बाकी हिस्सों में 150 भारतीय हैं। इनमें से ज्यादातर का खुद का बिजनेस है और बाकी नौकरी करते हैं। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज में भी काम करते हैं। दोनों ग्लोब मास्टर के साथ खाने पीने का सामान और दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने 4 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि अगर किसी का कोई रिश्तेदार वहाँ फंसा है तो वो दूतावास से संपर्क कर सकता है। एयर इंडिया ने 488 उड़ानें भरकर 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से निकाला था, जो गिनीज बुक में दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर दर्ज है। साउथ सूडान के मिशन संकट मोचन में लक्ष्य इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी कठिन है। 2 दिन से युद्ध विराम है, लेकिन कहा नहीं जा सकता बंदूकें अचानक कब गरज पड़े। ऑपरेशन संकट मोचन में प्राथमिकता पर महिलाएं और बच्चे रहेंगे। भारतीयों से पासपोर्ट, वीजा और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। 5 किलो कैबिन लगे से ज्यादा सामान नहीं रखने को कहा गया है। भारतीय जूबा से कंपाला होते हुए तिरुवनंतपुरम और फिर दिल्ली लाए जाएंगे। साउथ सूडान में जमीन से उखड़ने के ये हालात 7 जुलाई को बने, जब राष्ट्रपति सलवा कीर और उपराष्ट्रपति रीक माचेर की समझौता बैठक के दौरान ही उनके वफादार सैनिक आमने सामने आ गए। 20 साल के छापामार युद्ध के बाद जुलाई 2011 में सूडान से टूटकर साउथ सूडान बना था। घरेलू जंग की बुनियाद 2013 में पड़ी, जब राष्ट्रपति सलवा कीर ने उपराष्ट्रपति रीक माचेर को बर्खास्त कर दिया। पिछले साल अगस्त में अफ्रीकी देशों ने दोनों में समझौता करा के मिलीजुली सरकार बना दी, लेकिन अब दोनों फिर से टकराव के रास्ते पर हैं और पूरा साउथ सूडान दहशत में जी रहा है। करीब 30,000 लोगों ने यूनाइटेड नेशन के बेस में शरण ली हुई है।
इनमें सैकड़ों विदेशी भी हैं। यमन के ऑपरेशन राहत में भारत ने 1000 के करीब विदेशियों को भी रेस्क्यू किया था। कुछ ऐसी ही उम्मीदें ऑपरेशन संकट मोचन से भी जुड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।